चित्रगुप्त मृत्यु के देवता यम धर्म राजू के प्रमुख सलाहकार हैं और ये पापों और अच्छे कर्मों की गणना भी करते हैं, जो हमारे मार्ग का फैसला करते हैं और हमें स्वर्ग या नर्क की ओर ले जाते हैं। दुनिया भर के भक्तों ने उन्हें एक उच्च पद पर रखा क्योंकि वो बहुत खास हैं। देश में लगभग उनके 10 मंदिर हैं, जिनमें हैदराबाद के पुराने शहर में चित्रगुप्त मंदिर सबसे खास है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से अविवाहित लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है। नवाबों के लिए काम करने वाले क्लर्क चित्रगुप्त की प्रार्थना करते थे। कहा जाता है कि कायस्थ वंश के तत्कालीन मंत्री राजा किशन प्रसाद ने इस मंदिर का निर्माण एक विशाल स्थल पर करवाया था। चित्रगुप्त के साथ साथ उनकी पत्नियों नंदिनी और शोभावती की मूर्ति भी इसी मंदिर में स्थापित की गई है। भक्तों का मानना है कि राहु और केतु के गुरु माने जाने वाले चित्रगुप्त की पूजा करने से हमारे जीवन में होने वाली किसी भी अशुभ घटना से हम बच जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति 7 बुधवार लगातार यहाँ प्रार्थना करता है तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। स्वास्थ्य और रोजगार सहित समस्याओं को भी 7 सप्ताह तक पूजा करके हल किया जा सकता है। प्रत्येक बुधवार को दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। जो लोग इसे 7 सप्ताह लगातार नहीं कर सकते हैं, वे पूरे 1 सप्ताह लगातार प्रार्थना करने आते हैं। समय के साथ मंदिर के रखरखाव की उपेक्षा की गई। हालांकि चित्रगुप्त के मंदिर के प्रांगण में रामालयम, शिव, साई बाबा, अंजनीय स्वामी और अयप्पा के मंदिरों के निर्माण के बाद भक्तों का आना जाना फिर से शुरू हो गया है। लोगों का मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, बच्चों आदि से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान 7 सप्ताह तक चित्रगुप्त मंदिर में पूजा करने पर हो जाएगा। इसीलिए भक्त न केवल तेलुगु राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से भी यहां आते हैं। हम अपने दूसरे बेटे के लिए वधु खोज रहे हैं, लेकिन कभी भी बात नहीं बन पा रही है। हमने सुना है कि चित्रगुप्त मंदिर में अभिषेक करने से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, इसलिए हम 6 सप्ताह से यहां आ रहे हैं। हम मंदिर के बारे में जानने के बाद पिछले 7 हफ्तों से यहां आ रहे हैं। यदि भक्त की कोई भी इच्छा है और 7 सप्ताह तक वह नियमित रूप से मूर्ति की पूजा करता है तो वह इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं और मेरी पत्नी अलग अलग इच्छाओं के साथ यहां आए थे। उसे 6 सप्ताह के बाद नौकरी मिल गई। मंदिर में कई उत्सव आयोजित किए जाते हैं। ये देश भर के 10 चित्रगुप्त मंदिरों में से एक है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि मंदिर एक आध्यात्मिक केंद्र बन जाए। मंदिर 1982 से बंदोबस्ती विभाग के नियंत्रण में है। अपने बचपन में मैं हर किसी को इस जगह के आसपास खेती करते देखा करता था। आसपास में यह एकमात्र पत्थर का मंदिर था। वास्तविक पूजा यहाँ कई दिनों तक नहीं हुई क्योंकि किसी को पता नहीं था कि यहाँ चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। ये मंदिर न केवल एक ऐसी जगह है जहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि ये मंदिर एक ऐतिहासिक स्थल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।